वेलकम टू प्रियांश ब्लॉग। प्रियांश ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो सावित्री दीदी ने शादी क्यों किया, बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि सावित्री दीदी ने शादी क्यों किया, क्या रीज़न था। तो आज मैं बताती हूँ कि सावित्री दीदी ने खुद बोला है, खुद वो आंसर दी हैं कि क्या हुआ था, क्या रीज़न था और उन्होंने शादी क्यों किया। तो ये वीडियो आप देखिए, आपको पता चल जाएगा कि सावित्री दीदी ने क्यों शादी किया। जोहार दोस्तों, मैं सावित्री हूँ, सावित्री कुमारी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। गुड मॉर्निंग। अभी फिलहाल सुबह हुई है और हम लोग रात को करीब 10 बजे यहाँ पर पहुंचे हैं, 10 या 10:30 बजे समथिंग ऐसे ही पहुंचे हैं। शादी हुई, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग लॉज में आ गए। लॉज में अभी ठहरे हुए हैं। कारण ये है कि ये लोग तो एक सप्ताह पहले आ चुके थे अपना गाँव। गाँव हमारे यहीं पर है, ये लोग का मतलब यहाँ से 3 घंटा की दूरी है ना जी, 3 घंटा की दूरी है। और तो ये लोग अपना गांव से आ चुके, एक दिन पहले ही आ गए थे और यहीं लॉज में ठहरे थे। फिर उसके बाद हमको, हम लोग का शादी हुई, फिर मैं लॉज में आ गई। अभी यहीं रहूंगी, फिर से ये लोग गाँव नहीं जाएंगे क्योंकि इसका जो इनके काम में भी दिक्कत हो रही है। इनके साथ में जो दीदी आई वो भी ड्यूटी करती है, तो उनका भी दिक्कत होगी अगर फिर से गांव चले जाएंगे तो। और गांव के जितने लोग इन लोग के साथ आए थे वो लोग चले गए हैं वहीं से, मंदिर से ही। और फिलहाल अभी मैं भाई का इंतजार कर रही हूँ कि भाई मुझे कब लेने आएंगे, क्योंकि आज हमारे घर में पार्टी है। तो बस इंतजार करती हूँ। और अभी वो भी बाहर गए क्योंकि मैं सुबह से कुछ खाई नहीं हूँ, तो वो मेरे लिए कुछ लाने गए हैं। पता नहीं कब तक आते हैं, तब तक चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे साथ मेरी भगनी है, मैं उनको भी दिखाऊंगी और दिखाऊंगी कि मुझे ससुराल में क्या क्या मिला है। तो आप लोग कंटिन्यू रहिए, शायद मैं थोड़ी आज जोर से नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि वो लोग है ना, तो थोड़ी बहू रानी को थोड़ा धीरे धीरे बोलना चाहिए, इसलिए कंटिन्यू रहिए। दिखाती हूँ क्या क्या मेरे मुझको मिला है मेरे ससुराल से। तो दोस्तों ये रहा क्या क्या मिला। ऐसे मैंने बहुत सारा क्या किया ना, ये क्या बोलते हैं पैर में जो पहनते हैं बिछिया, वो बहुत सारी मिली है। दीदी दी, फिर मम्मी दे के भेजी है क्योंकि शायद पहनना चाहिए, तो वो मैंने डाल दिया। अभी निकालूंगी नहीं क्योंकि मैं अभी जाने वाली हूँ। तो ये देखिए मुझे क्या क्या मिला है। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये पायल, आ मम्मी ये मेरे ससुराल वालों ने दिया है। और ऐसे मेरे भाई बोला था कि आप लोगों को नहीं देना पड़ेगा, मैं सारा कुछ दे दूंगी। फिर ऐसे कुछ हम लोगों ने फोर्स नहीं किया था अपने ससुराल वालों से, उसने अपनी खुशी से दिया है। और एक्चुअली मैं एक लोती, इसलिए मुझे सब कुछ मिला। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ ये, नहीं कहाँ गया ये, सामने लाइए कैमरा का मिली है। और इस झुमका की दुख भरी कहानी मैं सुनाती हूँ, पीछे देखिए। इतना बड़ा मेरा छेद ही नहीं है कान में, और इतना बड़ा बड़ा छेद दे दिया मुझे, हे भगवान, मेरा कान में हो ही नहीं रहा है। तो अभी फिलहाल मुझे, और ये मिली है, ये देख सकते हैं। ये हमने नहीं सोचा था, हम लोग ने कहा था बस आप कान का दे दीजिए ना, वैसे वो लोग बोल रहे थे कि हम लोग क्या दे, भाई ने कहा छोड़ दीजिए। एक्चुअली दोस्तों उन लोगों ने पूछा कि हम लोग क्या दे, तो भाई ने कहा कि आप लोग को कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, मैं इधर से सब कुछ दे दूंगी। क्योंकि उन लोग ने ऐसे दान दहेज के बारे में तो कुछ लिया नहीं है। और मेरी मम्मी को सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, आप लोग कमेंट बहुत ज्यादा कर रहे हो, मेरी मम्मी को हमेशा एक बात खलती थी कि पता नहीं ये जो मेरी बेटी है उनका हस्बैंड कैसे होंगे। तो मेरी मम्मी हमेशा चाहती थी कि जो मेरी बेटी का हस्बैंड वो कम से कम उनसे 10 साल का बड़ा हो और नेचुरल, क्योंकि एक होता है ना जिसका थोड़ा दिमाग लो रहता है तो उनको एक अच्छा मतलब होता है दिमाग वाला, थोड़ा टैलेंटेड वाला अगर हस्बैंड मिल जाए तो समझ घर थोड़ा ठीक से चलती है। तो कहीं ना कहीं शायद वो सच हो गया और वो मेरे लाइफ में आए हैं और मैं खुश हूं। मैं आपको हमेशा बोली हूं कि मुझे रंग रूप, मैं बहुत सारी वीडियो में बोली हूं, जब मेरी भाभी आई थी तब भी ये बात बोली थी कि मुझे उससे कोई देना लेना देना नहीं है, बस उनकी क्वालिटी अच्छी होनी और उनकी सोच अच्छी होनी चाहिए। तो बस यही सब। और दिखाती हूँ मुझे क्या मिला है। ये मेरी खास करके मेरी सासू माँ ने दे के भेजा है। अभी मैं पूरा रूम बिखरा के पड़ी हूँ। और सबसे बड़ी बात कि मैं आज एसी रूम में सोई थी और मेरी तबीयत एकदम पूरा सर्दी जैसा लग रहा है, जैसे कि कुछ हो गया उस टाइप का।
देख सकते हैं एसी का, मतलब पहली बार मैं एसी रूम में सोई ना, और कभी इतना ठंडा, ओपन में पंखा चल रही है, इधर से एसी और तबीयत खराब, और लग रहा है जैसे मेरी तबीयत खराब होगी, और एसी इधर से तो क्या बोले, इतना हवा आ रही है कि और माथा घूम रहा है, एसी लगा हुआ है, ऊपर से पंखा चल रहा है, और ये लोग को क्या बोले, लोग और इन्हें जब बोल रहे हैं तो ये बोल रहे कि नहीं गर्मी लग रहा है चलने दो, और हम क्या बताएं कि हमको कितना ठंडा लग रहा है पहली बार एसी का हवा लेके। अभी वो आने ही वाले हैं, दिखाते हैं, उनसे भी मिलवाते हैं। वो आते आते थोड़ी सी मैं तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि भाई अभी फोन किया था, भाई बोला कि मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ, और मैंने सुबह से कुछ खाया, मुझे खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, सुबह से लग रहा है कि मैं कब ये घर जाऊं, मुझे कब भाई लेने आए। कौन, लगता है आ गया। कौन, लॉक है ना, आ गए हमारे पति, नाश्ता मेरे लिए, तो ये मेरे लिए नाश्ता लेके आए हुए हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या निकलता है। क्या क्या लाए हैं जी मेरे लिए? दाल चावल। ठीक, दाल चावल, ऐसे मुझे चावल बहुत पसंद है, आपको पता है पहले? आपकी फेवरेट चावल है तरीके। हाँ, फेवरेट है चावल, और आपकी फेवरेट पानी पूरी। ओ, पानी पूरी। हाँ, और क्या है? और ये है आमलेट। आमलेट कहाँ मिल गया जी आपको? है स्टॉल पे मिली। आप नहीं खाते हो फिर मेरे लिए कैसे लेके आए? आपकी तो एक बात बता दूं, मेरे जो हस्बैंड है मेरे लिए अंडा लेके आए, और ये खुद नहीं खाते ना मीट मछली अंडा, ये सब कुछ भी नहीं खाते। पंडित जी है महा, सोच लीजिए, सवेरे उठेंगे 10 बजे से 11 बजे तक पूजा करेंगे, न कितना 9 बजे से 10 बजे तक, और उसके बाद ड्यूटी निकल जाएंगे नाश्ता करने के बाद। नाश्ता किए नहीं किए निकल गए, मतलब इतना मुझे पता, यही सुनाए हमको फोन में बताया, इतना मुझे नहीं पता, अब जाके देखूंगी ये क्या करता है, अब मैं खा लूंगी मिला के। ठीक है, तो दोस्तों अभी मेरा भाई लेने आ रहा है मुझे, मैं तो बोली कि वो फोन किया है, तब तक मैं जल्दी से खा लेती हूँ। अंडा खाइएगा? नहीं, अंडा नहीं खाता। थोड़ा सा खा लीजिए। नहीं, आप ही खाइए अंडा, मुझे नहीं चाहिए। इतने पंडित जी मिल गया, मेरा क्या होगा भगवान, हम तो आपको खिलाऊं पक्का ना। हर एक संडे, वहाँ जाने के बाद मुझे हर एक संडे जाना है, जब आप बोलो। देखिए सब सुन रहा है। हाँ, आज इतने लोगों के आप जीजाजी बन गए हो। संडे वेडनेसडे आपके जीजाजी, देखिए क्या क्या प्रॉमिस कर रहा है, अगर ये नहीं हुआ ना तो सोच लीजिए। तो दोस्तों हम लोग वीडियो अभी खा लेते हैं जल्दी से, और तैयार हो जाते हैं क्योंकि अभी हम लोग जाना है पार्टी में। तो आई होप आज का मेरा ब्लॉग छोटा सा पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और न्यू आए तो सब्सक्राइब कीजिए। वाह, वेरी गुड। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं थोड़ा ये खा लेते उसके बाद खाऊंगा, आप खाइए फिर अंडा छोड़ूंगी, फिर आप नहीं खाओगे। पता चल गया होगा कि सावित्री दीदी ने क्यों शादी किया। सावित्री दीदी की जो मम्मी है उनका वो सपना था, वो ऐसा बोल रही है कि मम्मी का सपना था कि मतलब वो अपने से ना मैच्योर लड़का से शादी करवाएं करें ताकि ना मतलब होता है ना कि लड़के के अंदर मैच्योरिटी ज़्यादा होनी चाहिए रैदर देन लड़कियों से, तो इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया, और वो उनका खुद का डिसीजन था, वो खुद बोल चुकी हैं, उन्होंने लड़का भी देखा था, सब कुछ देखा था, उसके बाद उन्होंने खुद भी हाँ किया था, और वो लड़का उनको इतना खुश रख रहा है, और वो जो हैं गरीब थी और अब वो हाँ आ चुकी हैं, आप लोग देख सकते हैं, उन्होंने कभी एसी नहीं देखा था, एसी है, पंखा है, और इतना अच्छा घर है, इतना प्यार करने वाला हस्बैंड है, तो और किसी को क्या चाहिए आप बताइए। तो उनको वो सब कुछ मिल रहा है, उनको वो सब कुछ मिल रहा है जो वो सपने में भी नहीं सोची होंगी। तो हम लोग बस उनकी मैरिज लाइफ को अच्छा करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि सावित्री दीदी हमेशा खुश रहें जैसे कि वो हमेशा रहती हैं, और बस डांस करना ना छोड़ो क्योंकि मैं उनकी डांस से ही फ़ैन बनी हूँ। तो अगर आपके पास ये ब्लॉग ज़्यादा है सावित्री दीदी, तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, और आपके हस्बैंड आपको बहुत प्यार करते हैं, देख करके बहुत अच्छा लगा आप दोनों को। तो आई होप आपका बात क्लियर हो गया, अगर अच्छा लगा आपको ये वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट करना मत भूलिए। तब तक के लिए बाय एवरीवन।